ओके आई एम रिसीविंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम लॉट ऑफ माय कस्टमर्स. बहुत लोगों का आपका ये क्वेश्चन है कि जब भी आप एक जिम इक्विपमेंट बाय करने जाते हैं, जब भी आप अपने जिम के लिए, अपने नए जिम के लिए एक मशीनरी बाय करना चाहते हैं, तो किस प्रकार की मशीनरी बाय करनी चाहिए. सो जो पुरानी मशीन्स हैं, अगर आप ओल्ड इक्विपमेंट्स अगर आप बाय करते हैं तो ओल्ड इक्विपमेंट्स बाय करना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, या जो आप नए इक्विपमेंट बाय करते हैं, नए इक्विपमेंट बाय करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा. सो गाइस, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस. स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक देखिएगा. बहुत ही बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है. दिस वीडियो कैन चेंज योर कंप्लीट थॉट प्रोसेस अबाउट द मशीनरी. एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई अगेन वांट टू टेल यू, इफ यू आर रियली वांट टू सेट अप अ जिम, इफ यू रियली वांट टू मेक योर करियर इनटू दिस लाइन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज गो हेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. लॉट मोर कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट इज देयर इन दिस चैनल अबाउट जिम सेटअप, जेन्युइन कंटेंट इज देयर अबाउट ट्रेनर सर्टिफिकेशन, माई डियर फ्रेंड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, नाउ लॉट ऑफ यू, अब बहुत लोग हैं मेरे से जो कि ये पूछते हैं कि पुराना जिम इक्विपमेंट लिया जाए या नया जिम इक्विपमेंट लिया जाए. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं और बहुत सारे लोग जो आप मेरे को देख रहे हैं, हम लोगों के बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं. बजट कंस्ट्रेंट्स से मेरा यह मतलब है कि अगर मैं नया इक्विपमेंट लेना चाहता हूँ या मैं नया सेटअप लेना चाहता हूँ, तो एक जिम सेटअप के अंदर 40 लाख रुपए लग जाते हैं, 50 लाख रुपए लग जाते हैं, या अगर आप छोटी जगह पर जिम सेटअप कर रहे हैं तो 20 लाख लग जाते हैं, 25 लाख रुपए लग जाते हैं. लेकिन जब भी आप पुराना इक्विपमेंट खरीदते हैं और पुराना इक्विपमेंट अगर अच्छी, बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है, तो वही इक्विपमेंट जो नया आप खरीदने जा रहे हैं 25 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का, यू कैन इजीली गेट इट फॉर 10 लाख, 12 लाख और मे बी चीपर देन दैट. सो द फर्स्ट थिंग हियर इज दैट इफ यू कंपेयर न्यू इक्विपमेंट विद ओल्ड इक्विपमेंट इन ग्रेट कंडीशन इज एट कमिंग टू योर वे एट अ वेरी 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 चीप कॉस्ट. दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स. नाउ जब आप पुराना इक्विपमेंट लेने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको ये समझनी है, वो ये समझनी है कि पुराने इक्विपमेंट की कंडीशन किस प्रकार की है. अगर पुराना इक्विपमेंट की कंडीशन अच्छी है, तो आप कभी भी पुराना इक्विपमेंट नए इक्विपमेंट के ऊपर चूज कर सकते हैं. किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. वन मोर थिंग गाइस, आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर इज दैट देर आर टू पार्ट्स. अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, आपने नहीं देखे तो जाके देखिए, इक्विपमेंट के ऊपर मैंने एक पुराना वीडियो किया था, बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो. उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इक्विपमेंट दो भाग के अंदर डिवाइड होता है. सबसे पहला होता है जो उसका कार्डियो सेक्शन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन होता है. दूसरा भाग होता है जो उसका स्ट्रेंथ सेक्शन यानी कि जो भी वेटेड मशीन्स होती हैं. तो वेटेड मशीन्स मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि वेटेड मशीन्स तो माय डियर फ्रेंड्स लोहा है. तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी वेटेड मशीन्स हैं, वो कभी भी खराब नहीं होंगी, चाहे वो 10 साल पुरानी है, चाहे वो 15 साल पुरानी है. हाउएवर वो किसी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स की होनी चाहिए, वो नोटेरियस जैसी कंपनी की होनी चाहिए, लाइफ फिटनेस की होनी चाहिए. अगर वो उस लेवल की मशीन्स है, तो चाहे वो 10 साल पुरानी मशीन क्यों ना हो, आप आंख बंद करके बाय कर सकते हैं. कार्डियो का जो बात है, कार्डियो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक उसके अंदर पार्ट्स है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि उसकी कंडीशंस किस तरीके से है. और अगर उसकी कंडीशन अच्छी है, तो आप कार्डियो भी सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं. पुरानी मशीनरी के अंदर भी कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो कि आपको जो पुरानी मशीन्स हैं, उन पुरानी मशीन्स को बिल्कुल रीफॉप करके देती है, नई बना के देती है. पुरानी मशीन्स के अंदर सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है. वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप एक पुरानी मशीनरी लेने जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास उन मशीन्स की गारंटी नहीं होती. आपके पास उन मशीन्स का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जो ये बोलता है कि अगर कल को वो मशीन्स खराब हो जाती है तो आप वो मशीन्स ठीक करा सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, जो कि आपकी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं. अगर आप कोई पुरानी मशीन भी लेते हैं, आप उन कंपनीज के पास जा सकते हैं और उन कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं कि आपकी एनुअल मेंटेनेंस का चार्ज जो है, वो गारंटी है, वो पूरा का पूरा आपकी मशीन्स को इंस्पेक्ट करके अपने साथ वो ले सकते हैं. और अगर तो वो मशीन्स रीफर्ब है, पूरी तरीके से उन मशीन्स के ऊपर काम किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, तो वैसे भी आपको किसी भी प्रकार से परेशानी होने की जरूरत नहीं है. आपको उन मशीन्स की, जो मशीन रीफर्ब करता है, वो उनकी गारंटी वैसे ही देता है. अभी हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, बैक टू बैक प्रोजेक्ट किए हैं सेकेंड हैंड मशीनरी के. नई मशीन से ज्यादा हमने सेकेंड हैंड मशीनरी के प्रोजेक्ट किए हैं जिम सेटअप मास्टर्स ने. तो जितने भी जिम सेटअप मास्टर्स के हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया सेकेंड हैंड मशीनरी, लेट मी टेल यू दैट
यू नो यू जस्ट स्पीक टू द कस्टमर्स हु हैव बॉट फ्रॉम अस, जिन्होंने हमसे खरीदा है, वो जो पुराना सेटअप वो लोग लेके गए हैं, पुराना सेटअप इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मशीनरी, दे हैव बॉट एवरीथिंग, दे हैव बॉट फ्लोरिंग, दे हैव बॉट लाइट्स, दे हैव बॉट एयर कंडीशनर. तो पूरा का पूरा जो जिम हम लोगों ने सेल किए हैं, पूरा का पूरा जो सेटअप हम लोगों ने बेचा है, इट इज एज चीप एज गेटिंग 5 to 6 कंपनी के ट्रेडमिल. मतलब अगर आप किसी कंपनी के पास जाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि आपको 6 ट्रेडमिल चाहिए, 3 लाख रुपए ट्रेडमिल है, 17 से 18 लाख रुपए तो ट्रेडमिल के लग जाते हैं. इन 17 से 18 लाख रुपए के अंदर दे हैव बॉट द कंप्लीट सेटअप ऑफ द मशीनरी सेकेंड हैंड. सो द पॉइंट ऑफ सबमिशन इज वेरी सिंपल, दैट सेकेंड हैंड मशीनरी इज मच चीपर देन द न्यू मशीनरी व्हाट यू विल बी बाइंग. अगर आप लोगों का बजट नहीं है, बहुत ज्यादा बजट नहीं है जिम सेटअप करने के लिए, तो आप बिल्कुल सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज कर सकते हैं. और सेकेंड हैंड मशीनरी के साथ आप अपना जिम सेटअप कर सकते हैं. बस एक चीज ध्यान रखिएगा सेकेंड हैंड मशीनरी बाय करते हुए, कि जो सेकेंड हैंड मशीनरी है या जो सेकेंड हैंड सेटअप है उसकी क्या कंडीशन है, और वो कंडीशन किस तरीके से ठीक की जा सकती है या वो कंडीशन किस तरीके से ठीक नहीं की जा सकती, किस कंपनी की मशीन्स है, जिस कंपनी की मशीन्स है, क्या उस कंपनी का सपोर्ट है उस आगे फर्दर, अगर आप उनके पास जाते हैं एनुअल मेंटेनेंस लेने के लिए, अगर सपोर्ट नहीं है तो क्या और कोई कंपनीज है जो इन मशीन्स को फर्दर सपोर्ट कर सकती हैं, तो यू कैन ऑलवेज बाय सेकेंड हैंड मशीनरी ओवर द न्यू मशीनरी. अब बहुत सारे जिम ऐसे हैं, जिम जब ओपन हुआ था, मेरे आंखों के सामने के जिम है ये, जिम जब ओपन हुआ था उस टाइम पे इन्वेस्ट हुए 60 लाख रुपीज, 70 लाख रुपीज, उस टाइम पे इन्वेस्ट हुए 1 करोड़ रुपीज, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने खुले हुए जिम है ये. बहुत सारे रीजन रहे. पहला रीजन रहा कि ओनर को जिम चलाना नहीं आया, जिम चल नहीं पाया. द सेकंड रीजन हेयर इज दैट ओनर का शौक था जिम चलाने का, तो उसने जिम ओपन किया. थर्ड रीजन हेयर इज कि किसी भी कारणवश वो जिम बंद करना पड़ रहा है. अभी एक बहुत अच्छा जिम मेरे पास आया हुआ है, जिस जिम के बारे में ये है कि ओनर इज एक्चुअली फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री, सो ही वॉन्ट टू सेल अप हिज यूनिट. अभी 1-1 करोड़ के यूनिट, 60-60 लाख के यूनिट, व्हेन दिस यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर 15 लाख्स, 20 लाख्स, 25 लाख रुपीज ऑफ मैक्सिमम. So I don't think so कि हमारे पास कोई भी रीजन है नई मशीनरी बाय करने का. If any setup is coming to me is as cheaper as 25% of the total cost, ध्यान से सुनिए, जो total cost है 1 करोड़, उसका 25% cost, यानी कि 25% cost मेरे को pay करना पड़ रहा है अपनी मशीनरी के लिए, अपना जिम सेटअप करने के लिए, तो I don't think so it's a bad deal, it's one of the best deal which is available today, my dear friend. So don't when open your gym with a new machinery, I completely support the concept of opening a gym with new machinery. However, whenever you are opening a gym, you must consider the second hand machinery also. If the second hand machinery is at very good condition, you can always buy it. और जब भी आप कंसिडर करते हैं इसको परचेज करने की सेकेंड हैंड मशीनरी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये कंसिडर कीजिए कि आपको पूरा का पूरा सेटअप मिल रहा है. यू आर नॉट ओनली बाइंग सेकेंड हैंड मशीनरी, यू आर बाइंग अ कंप्लीट जिम सेटअप. जिम सेटअप के अंदर जैसे कि मैंने बताया, पहले भी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरिंग इज ऑल्सो देयर, देन एयर कंडीशनर्स आर देयर, देन कंप्लीट इंटीरियर यू आर टेकिंग आउट. एंड व्हेन यू आर बाइंग अ सेकेंड हैंड जिम सेटअप, आपको बहुत बहुत कम पैसा लगता है अपना जिम सेटअप करने के लिए. और आप वही जिम जो आपका 60 लाख, 70 लाख या 50 लाख या 40 लाख में सेटअप हो सकता था, वही जिम आप मात्र 20 से 25 लाख रुपए के अंदर सेटअप करते हैं. हमने हजारों जिम सेटअप किए हैं इस तरीके से, जो कि बहुत महंगे जिम सेटअप होते थे, अब वो बहुत सस्ते के अंदर सेटअप हुए हैं, और वो जिम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली रन कर रहे हैं. सो अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हेयर इज दैट गो फॉर द फर्स्ट हैंड मशीनरी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड मशीनरी देख सकते हैं, नई मशीन देखिए अगर आपके बजट्स है. अगर आपके बजट्स नहीं है तो आई डोंट थिंक सो दैट बाइंग अ सेकेंड हैंड मशीनरी इज अगेन अ बैड चॉइस. गाइस लुक एट दिस कंपनी लाइक मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स की बात करते हैं, साइबेक्स की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए. एक कंपनी है साइबेक्स, जिसका सेकेंड हैंड ट्रेडमिल मेरे को मिलता है 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में. ओके, और एक एक्सवाईजी इंडियन कंपनी है जिसका नया ट्रेडमिल मेरे को मिलता है 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में. साइबेक्स का ट्रेडमिल 1.5 साल पुराना है, और जो ये हमारी इंडियन कंपनी है इसका ट्रेडमिल ब्रांड न्यू है. अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं कौन सा बाय करूंगा इस टाइम पे और कौन सा बाय करना चाहिए इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, सो आई विल बाय साइबेक्स का ट्रेडमिल जो कि 1.5 साल पुराना है, ना कि वो इंडियन ब्रांड, जो इंडियन ब्रांड मुझे ब्रांड न्यू मिल रहा है सेम कॉस्ट के अंदर. बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या, आप किसी का भी एक्सपीरियंस उठा के देख सकते हैं, जो इंडियन ब्रांड आपको मिल रहा है ब्रांड न्यू 1 से 1.5 लाख रुपए का, उसकी लाइफ
एक साल, 2 लाख, 2 साल, 4 साल, इससे ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है। लेकिन अगर वो मैट्रिक्स या साइबेक्स का ट्रेड मिला है, 1 साल चला हुआ है, उसकी लाइफ 10 साल है, 12 साल है। मेरी खुद की एक ब्रांच के अंदर आज से 12 साल पुराना मैट्रिक्स का सेटअप लगा हुआ है, और मेरी कई ब्रांचेस के अंदर जो हमने सेटअप किए हैं उसके अंदर कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं जो हमने अभी 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले बाय किए थे। अगर मैं वो दोनों मशीनरीज को कंपेयर करूँ तो आज के टाइम में मैट्रिक्स की मशीन की 0 मेंटेनेंस है, साइबेक्स की मशीन की 0 मेंटेनेंस है। ये जो इंडियन ब्रांड्स है इनकी इतनी ज्यादा मेंटेनेंस है कि हम डिस्पोज करके हम यहाँ पे नई मशीनरी डालने का प्लान बना रहे हैं। सो गाइस, इफ यू कंपेयर कि आपने 20 लाख रुपए खर्च करने हैं एक जिम सेटअप के अंदर, और 20 लाख में आपको सेकंड हैंड एक मैट्रिक्स का, साइबेक्स का, इंपल्स का पूरा सेटअप मिल रहा है, और उसी दूसरे हाथ में आपको किसी इंडियन कंपनी का आपको इस 15 लाख 20 लाख के अंदर नया सेटअप मिल रहा है, तो कंपेयर कीजिए कि आपको पुराना सेटअप लेना चाहिए। खुद का दिमाग लगाइए कि आपको नया सेटअप लेना चाहिए। पुराने सेटअप के अंदर कुछ भी नहीं बिगड़ता, जब भी ये कंपनीज इतना अच्छे से काम कर रही हैं, इतने टेक्निकली इन्होंने अपने स्टेशन बनाए हैं, ये स्टेशन आपको प्रॉमिस करते हैं सालों साल चलने के लिए, सालों साल आपके साथ रहने के लिए। गाइस, आई थिंक सो वी आर डन, आई लीव इट अप टू यू। आपने मेरे से पूछा था कि सेकंड हैंड मशीनरी लेनी चाहिए या नई मशीनरी लेनी चाहिए। आई थिंक सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जवाब दे पाया हूँगा कि आपको सेकंड हैंड मशीनरी लेनी है या नई मशीनरी लेनी है। जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियो के अंदर भी बताया था कि जिम सेटअप के लिए हमने एक नए हेल्पलाइन नंबर चालू किया है, वो हेल्पलाइन नंबर आप नीचे देख सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी है आपको जिम सेटअप को लेके, कोई भी अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं जिम सेटअप को लेके, तो ये व्हाट्सएप के अंदर ये नंबर अवेलेबल है। कृपा करके 9999689818 ये नंबर है, इस नंबर पर आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।